पापा मैं जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो करती जा, मम्मी मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, ओ, ओ, अरे रुको रुको रुको, ऐसा करो ये साथ लेते जाओ, रास्ते में खाते जाना। थैंक यू पापा, मुझे 500 रुपए चाहिए। किस लिए? मुझे वॉकमैन खरीदना है पापा, मुझे आज ही बल्कि अभी 500 रुपए चाहिए। अरे सुन रही हो, तुम्हारे साहबजादे क्या फरमा रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? 500 रुपए चाहिए इन्हें गुलछड़े उड़ाने के लिए। गुलछड़े उड़ाने के लिए नहीं बल्कि वॉकमैन खरीदने के लिए। मेरे सभी दोस्तों के पास है लेकिन मेरे पास नहीं। ओहो, क्यों ऐसी क्या नजायज मांग है मेरे लाडले की? अब इसमें ऐसा भी क्या है, जब इसके सब दोस्तों के पास वॉकमैन है तो इसका भी तो दिल करता है उसे पाने का। वॉकमैन ही तो मांग रहा है, 500 रुपए देके उसकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दो, कौन सी बड़ी रकम है? सरला सरला, बात सिर्फ रुपयों की नहीं है, बात उसकी जिद और फिजूल खर्ची की है। तुमने तो इसका दिमाग खराब कर रखा है, एक तो पहले ही जिद्दी था, ऊपर से बदतमीज भी हो गया है। अच्छा, तो वॉकमैन मांगना बदतमीजी है? नहीं, बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो पढ़ाई छोड़कर इसका आवारागर्दी करना भी नहीं है। और बदतमीजी ये भी नहीं है कि बाप तो मेहनत कर कमाने की फिक्र करे और ये सारा दिन मटर गश्ती करता रहे। आपसे तो बात करना ही बेकार है, तुम तो सारा दिन घर में बैठी रहती हो ना, घर में बैठी रहती हो सारा दिन, तुम्हें कुछ नहीं पता कि बाहर ये क्या गुलछर्रे उड़ाता है। हाँ, आपको तो सारा दोष मेरे बेटे का ही नजर आता है। कभी अपने उस लाडली के बारे में सोचे जो पढ़ाई के नाम पर लड़कों की तरह दंदनाती फिरती है? अरे सुबह सुबह कौन आ गया, देखो सरला कौन है। सुनते हो, देखो कौन आया है। अरे आओ आनंद आओ, कैसे हो? ठीक हो भाई। भाई बड़े मौके पे आए हो, आज तुम्हारी भाभी गरम गरम पराठे बना रही है। अच्छा, तो छुट्टी वाले दिन नाश्ते की मौज उड़ाई जा रही है। बिल्कुल, आओ तुम भी बैठो। अरे कैसे चुनू बेटा? मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। आओ बैठो। और सुनाओ कैसे रास्ता भूल गए? अरे यार रास्ता क्या भूलना, कई दिन से तुमसे मिलने का मन था पर वक्त नहीं मिल पा रहा था, सोचा आज छुट्टी का दिन है, इससे पहले तुम कहीं निकल जाओ पकड़ लूं। अब दोस्त, इस शहर में चंद ही तो लोग रह गए हैं जिनसे मिलकर इत्मीनान होता है। सच कहते हो आनंद, वाकई दोस्त कम हो गए और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो भीड़ में क्यों आए थे परेशान होने को, अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, अगर मेरी बात मानते तो कहां से कहां पहुंच जाते। अब आनंद भाई साहब, आपको तो मालूम है कि इनके पिताजी कितनी बड़ी खेती बाड़ी छोड़ गए थे, मगर इनसे संभलती तब ना। तो भाभी क्या खुश नहीं है यहाँ? अरे भाई साहब, इस घुटे हुए माहौल में कौन खुश होगा, जैसे तैसे इनकी दुकान चल रही है, इतना भी नहीं कि चुन्नू की ख्वाहिशें पूरी की जा सके। अरे अब सारी बातें दोबारा से दोहराओगी या आनंद के लिए चाय भी लेके आओगी? अब क्या बताऊं आनंद, तुम तो अपने भाभी के मिजाज को अच्छी तरह से जानते हो, ना ये वहां खुश थी और ना ये यहां खुश है। दरअसल कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो कहीं भी खुश नहीं रह सकते। अरे मगर भाभी में और भी तो खूबियां हैं। ये गरम गरम पराठे जो सामने रखे हैं तो तुम तो यही कहोगे बेटा। सच आनंद, जैसे खुलकर हंसना हम भूल ही गए हैं। कहो में भी आंसुओं की चमक दिखाई देती है। अरे अपना भी यही हाल है, गर्चे तुम्हारी तरह घर गृहस्थी से नहीं बंधे क्योंकि अपनी गृहस्थी है ही नहीं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं। शांति? अभी कौन सी शांति, वही काली ज्वारी? अरे चुप, भाभी ने सुन लिया ना तो अपनी रेपुटेशन भी तेरी तरह हो जाएगी। नहीं सुधरेगा तू। आज बहुत दिनों के बाद इनकी हंसी सुनाई। भाई साहब आप तो रोज आ जाया कीजिए, आपके आने से इन पर रौनक आ जाती है। अरे भाभी ऐसा रौनक तो आप हैं। अरे भाई साहब कहाँ रौनक, रौनक तो गांव में होती अगर आपके भाई ने जमीन ना छोड़ी होती। आनंद तुझसे तो कुछ भी छिपा नहीं है, तुझे तो मालूम है ना कि मैंने जमीन क्यों छोड़ी, वरना ये शहर सरों की इस जंगल को क्या मैं जानता नहीं। तू और मैं तो एक साथ पढ़े हैं यहीं इसी शहर में, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से धक्के खाने के लिए यहां आना पड़ेगा।
तूने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मुझे भी और मेरे हालात को भी। याद है तुझे मेरे पिता के गुजर जाने के बाद जब तू पहली बार मेरे गांव आया था? तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ, मगर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है दोस्त। तुम आए तो ढाढ़स मिली आनंद, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आ सका, सोचा खुशी के मौके पर जाना ना भी हो तो कोई बात नहीं, मगर गम के मौके पर तो। सब तुम्हारी मोहब्बत है। क्या हुआ था पिताजी को? होना क्या था, एक बुढ़ापा, ऊपर से बीमारी और फिर इस घर के खराब हालात। तो तुमने मुझे खबर की होती शायद मैं कोई काम आ सकता। एक तू ही तो हो जिसने दोस्ती निभाई, वरना तो कॉलेज में कितने संगी साथी थे, कौन कहाँ है कुछ पता ही नहीं। दोस्ती तो तुमने भी कम नहीं निभाई, हर मौके पर याद रखा और जब भी शहर आए मिलते ही रहे। तुम सफर से आए हो, थक गए होगे, आराम कर लो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करवाता हूँ। जमीन बेची तो क्या हुआ, बहन की शादी पर जो कर्जा उठाया था अदा नहीं करना था, बाप का इलाज नहीं करवाना था, उनकी बीमारी और किराया कर्म पर जो खर्चा हुआ। भैया मैं कब कहता हूँ कि नहीं करना था, जरूर करना था, लेकिन जब मेरे हिस्से की जमीन बेची थी तो अपने हिस्से की जमीन भी बेची होती। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? तुम तो अपना हिस्सा शहर के पानी में गंवाए। भैया मैं शहर पढ़ने गया था, पैसा गंवाने नहीं। और ये जो डिग्रियां लटकाए घूम रहे हो, ये मुफ्त में आई है, इन पे पैसा खर्च ना हुआ? देखो देवर जी, अब तुमने शहर में गंवाया है तो वहीं से कमाओ। जमीन उसकी होती है जिसका हल होता है। आज तक तुम्हें हम भुगतते रहे यही सोचकर कि छोटी बहन की शादी हो जाएगी तो निबट लेंगे। अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, वो तुम जानो और तुम्हारा काम। उसके बाद अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैंने जाने कहां कहां भटक रहा होता, ना सर पर ये छत होती, ना ये दुकान और ना ही शायद मैं। क्या बात करते हो यार, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, और फिर ये तो मेरा फर्ज था। फिक्र ना करो दोस्त, सब वक्त एक जैसा नहीं रहता, ना जाने कब बदलेगा ये वक्त। अब तो हालात पहले से बेहतर है भाभी, और बेहतर हो जाएंगे। आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया भाई साहब। एहसान तो आप लोगों के भी कम नहीं है, आप लोगों की वजह से मुझे भी लगता है कि मेरा भी कोई है, मेरा भी घर है, भाभी है, भतीजा। लगता है तुम्हारा लाडला फिर लड़ पड़ा किसी से। आनंद तुम बैठो, मैं जरा देखता हूं। ये लो संभालो अपने लाडले को, अब ये मोहल्ले वालों से छीन झपट भी करने लगा है, अब ये इस मोहल्ले से भी निकलवा के रहेगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था इसे वॉक में लेके दीजिए, सवेरे से ये आपको कह रहा है, लेकिन आपको भी जिद हो जाती है। हाँ सारी गलती मेरी है, तुम लोग मुझे यहां भी चैन से नहीं जीने दोगे। कोई बात नहीं प्रताप, बच्चों में ऐसा हो ही जाता है। देखो हम लेके देंगे तुम्हें वॉक में। चुनी बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा समझदारी से काम लिया करो, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो काम में हाथ बटाया करो। काम में ये हाथ बटाएगा,
काम में तो वो तक हाथी बटाती जो बड़ी है। अरे हाँ, आरती कहाँ है? आज तो छुट्टी है, कॉलेज के लड़कों के साथ पिकनिक पर गई है। घूम रही होगी कहीं लड़कों की तरह। इसे क्या हुआ? इसे तो मैंने कभी अकेले बैठे नहीं पाया। हमेशा बुलबुल की तरह चहकने वाली फिजा, आज अकेले, वो भी चुप। जरूर कोई बात है। फिजा, मैं आ रही हूं। तो सबको हंसाने वाली फिजा चुपचाप बैठी हुई है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो फिर चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? वहाँ पेंटिंग बनाएंगे। पर मुझे तो ब्रश यूज़ करना भी नहीं आता। तुम्हें ब्रश यूज़ करना भी नहीं आता? बातें करना तो आता है ना, तो मेरे साथ बैठ कर बातें करना, ठीक है? आई एम सॉरी दीदी, पता नहीं क्यों आज मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा है। बस यही मन कर रहा है अकेले बैठी रहूं मैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तुम्हारा अकेले बैठने का मन क्यों कर रहा है? पता नहीं बस। फिजा, मुझे दीदी भी कहती है, मुझे बताओगी नहीं क्या बात है? दीदी, मैं आपका पिकनिक का मूड खराब नहीं करना चाहती। फिजा, मूड के बनते बिगड़ते देर थोड़ी लगती है। हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ। मुझे बताओ कि ऐसी क्या बात है जिसने कि हमारी प्यारी सी बुलबुल का चहकना भी छीन लिया? दीदी, वो आप मेरी बड़ी बहन से तो मिली हुई है ना? अरे मैं उन्हें जानती ही नहीं, मैंने तो उनकी शादी भी अटेंड की है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? दीदी, वो उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत तंग करते हैं और यहाँ तक कि जीजा जी उन्हें मारते भी हैं। फिजा, रोना तो किसी बात का हल नहीं होता। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो अपनी दीदी की मदद कैसे करोगी? हिम्मत से काम लो। फिजा, वो दिन लद गए जब औरतों को भेड़ बकरियों की तरह हांका जाता था। आज की नारी जाग उठी है, वो लड़ सकती है अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दीदी के घर चलूंगी, सब ठीक हो जाएगा। सच दीदी? बिल्कुल सच। और अब तुम अपने आंसू पोंछो और अपने होठों पे प्यारी सी मुस्कान लेकर आओ। ठीक है, चलो अब मेरे साथ चलो। दीदी, अगर आपकी इजाज़त हो
तो मैं अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लूं और आपको भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी है। दैट विल बी फाइन। ओके चल। सचमुच यार, पिकनिक का असली मजा तो आरती ले रही है ना? चल जाके देखते हैं क्या कर रही है। ध्यान से। हाय। आ गई दोनों। पता नहीं किसको बलि का बकरा बना के आ रही है। हाय आरती, क्या कर रहे हो? अरे देख रही ना, पेंटिंग बना रही है। देख लो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। रियली आरती, सचमुच है, तुम्हारा जवाब नहीं। जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लो। तो चूम लो। आरती यार, तू क्या चीज है, मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। मैं कोई ऐसी पहेली तो हूँ नहीं कि जिसे पूछना पड़े। देखो आरती, पहेली तो तुम हो ही, तुम पेंटर भी हो, लीडर भी हो, क्लीडर भी हो, सोशल वर्कर भी हो। रियली आती यू आर फोर इन वन नहीं, ऑल इन वन। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने अपने आप को, यू आर रियली ऑल इन वन। तो अब तुम दोनों प्लीज मुझे पेंटिंग पूरी कर लेने दो। इसका मतलब है हम तुम्हें अकेला छोड़ दें? चलो चलते हैं। जब पेंटिंग हो जाए ना आती तो हमें बता देना। हाँ किसी और मुर्गे को ढूंढते। विश यू बोथ गुड लक। बाय। गुड लक तो मैं तुम्हें विश करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते कोई मुर्गा इस तरफ आ रहा है। तुम लोग जाओगे यानी यहाँ से? अच्छा बाय। ओके। हाय दीपक। हाय दीपक, कैसे हो तुम? फाइन। कहाँ से आ रहे हो? यार ये मैं यही लेक पे घूम रहा था। अच्छा भाई दी, ये आरती कहाँ है? जी कबाब जी, आपके आरती वो रही। क्या कहा तुमने? कबाब जी। ओके बाय। आरती। हाय। हो आरती, तुम यहाँ समोवर तोड़ने पे लगी हुई है और हम तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश करते फिर रहे। कहाँ तलाश करके? नदी में, पेड़ पर, वहाँ। दीपक तुम तो जानते हो मुझे ये हंसी मजाक, उछलना कूदना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए आपने तो बस यही कहानी है कि अपने राम अपने में मत। और जो दूसरों का हाल हो रहा हूँ? दूसरों का? What do you mean दूसरा? दूसरा means जैसे कि मैं। अच्छा अच्छा, तो हमें पता लगे जरा कि आपका क्या हाल हो रहा है। मैं सिर्फ आरती तुम्हारी खातिर यहाँ पिकनिक पर आया, समझी? I know दीपक, I'm sorry. दो मिनट रुक जाओ, मैं ये पेंटिंग पूरी कर लूँ, फिर हम दोनों बैठ के बात करेंगे, ठीक है? Okay, okay. तुम पेंटिंग पूरी करो, हैं? So nice दीपक। और मैं तुम्हें देख करूँ। मेरी पेंटिंग पूरी हो गई, हम लोग चलते हैं, हाँ? चले? क्या यार, देखने भी नहीं। कितना हो गया? अरे कितना हो गया? अच्छा छोड़ो यार, तू गेरे बोर हो गया यार, बोर हो गया, तू गेरे यार, ऐसे यार मैं तो बोर हो गया। गेम खेलते दूसरा, ठीक है ना? तू मुझे पकड़। क्यों गेम क्यों नहीं हुआ? इसमें राज की बात दिया वैसे, क्या मैं समझ में नहीं आ गया, छोड़ क्या बताऊँ। मुलाकात हुई क्या बात।
अनीता तुम गाना सुनाओ। अरे हाँ सुनाओ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और अपने कारण अनीता अच्छा तुम गाओ ना। चलो मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में बस बस यार बस पूरा गाना सुनो यार सुना। चलो हाँ ठीक पल पल दिल के पास अरे ये आपके कौन से नंबर की पिकनिक थी? अरे यार तू भी हाइट कहता है अगर अंकल को मालूम होता तो पास ना जाते क्यों अंकल? तुमने सुना ही अबे गंजे अंकल को पास होने की क्या जरूरत है? अबे इनके बाप दादा के पास तो इतना पैसा है अंकल चाहे पिकनिक मना सकते हैं तो नौकरी भी करने की क्या जरूरत है? तू अपनी सोच प्यारे अपनी भाईसाहब मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने पहुंचना है बहुत जरूरी कहीं जरा थोड़ा सा देख लीजिए क्या सर इनकी गाड़ी चेक करो कैन आई हेल्प यू